बांसवाड़ा में आज क्षेत्रीय विधायक संजय शर्मा के द्वारा स्वर्गीय राजकुमार उपाध्याय स्मृति टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता का शुभारंभ किया गया। विधायक संजय शर्मा द्वारा रिबन काटकर प्रतियोगिता का शुभारंभ अपने कर कमलों से किया गया। इसके बाद शर्मा द्वारा मैच खेलकर खिलाड़ियों के साथ क्षेत्रीय लोगों का उत्साहवर्धन किया गया। उद्घाटन मैच खुमेरखेड़ा एवं तेंदुखेड़ा के बीच खेला जा रहा है, जिसमें तेंदुखेड़ा ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया। मैच के दौरान काफी संख्या में जन समूह उपस्थित रहा। क्या नाम है आपका? साबर कुरैशी। साबर किस टीम से खेलते हैं? मैं तेंदुखेड़ा T11। अच्छा, अभी खेलने के लिए आया है, कौन सा टूर्नामेंट है, किस टीम से मैच है आपका? ये बलहरा से टूर्नामेंट हो रहा है और ये अपनी कुमेरखेड़ा से हमारा मैच है। कल आज से, जैसा कि आपको पता है कि उद्घाटन मैच शुरू हो रहे हैं, आज हमारा पहला मैच है जो कुमेरखेड़ा से चल रहा है। क्या तैयारियाँ हैं, क्या उम्मीद है? अभी रिसेंटली हम लोग तेंदुखेड़ा में जो टूर्नामेंट हुआ था उसका विजेता रही है हमारी टीम, और सबका, पूरे खिलाड़ियों का जो मनोबल है बहुत बढ़ा हुआ है, और आशा करते हैं कि यहाँ भी अच्छा खेल दिखाएंगे और टूर्नामेंट जीत के ले जाएंगे। अभी मैच की क्या स्थिति है, कितने विकेट हो गए हैं? अभी हम लोग 3 विकेट गिर रहे हैं, 12 रन है, तीसरा चौथा ओवर प्रगति पे। क्या कहेंगे, बलहरा में आज एक कार्यक्रम का आयोजन हुआ क्रिकेट का, ये पंडित राम कुमार उपाध्याय की स्मृति में टूर्नामेंट का शुभारम्भ आज बलहरा में हुआ है। सभी खेल प्रेमियों को हमारी ओर से शुभकामनाएं। बलहरा बहुत पहले से खेलों के लिए पूरे क्षेत्र में जाना जाता है, वॉलीबॉल, कबड्डी, क्रिकेट, बहुत पुराने समय जब हम लोग पढ़ते थे उस समय से यहाँ पर टूर्नामेंट होते आ रहे हैं। भाई राम कुमार भी क्रिकेट में अच्छे खिलाड़ी थे, आए उनके सभी साथियों ने मिलकर टूर्नामेंट का आयोजन किया है। ग्राम के हमारे अनिल तिवारी जी खड़े, बड़े अच्छे क्रिकेटर बहुत पहले रहे और आज भी ग्राउंड पर उपस्थित हैं। सभी ग्रामवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं, धन्यवाद देता हूँ। सर, आज ग्राम बलहरा में क्रिकेट टूर्नामेंट की शुरुआत है? हमारे यहाँ पर ये टूर्नामेंट कई वर्षों से चल रहा है। अभी हमारा ये जो क्रिकेटर है, जो राम कुमार उपाध्याय, अच्छा खिलाड़ी था, तो इसकी स्मृति में यहाँ पर ये हम लोगों ने, गांव के लोगों ने, उनके परिवार के लोगों ने ये टूर्नामेंट शुरू किया है। इसके पहले हमारा गाँव कबड्डी, वॉलीबॉल, इस मामले में भी आगे रहा है। मैं खुद खेला हूँ, हमारे क्षेत्र के लोग यहाँ आते थे, अच्छी उत्साह के साथ टूर्नामेंट मनाया जाता था, और मेरी खिलाड़ियों के लिए शुभकामनाएं, टूर्नामेंट अच्छा रहे, आगे बढ़े, धन्यवाद। लगभग कितने वर्षों से यहाँ पे ये टूर्नामेंट हो रहा है? अभी करीब 5 साल से मेरे ख्याल से ये टूर्नामेंट राम कुमार उपाध्याय स्मृति में हो रहा है। यहाँ की टीमें कहीं प्रदेश लेवल पर भी खेलने जाती हैं या? हाँ, जिला लेवल पर तो जाती हैं जी।